मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, अल्लाह आपका भला करे, पाकिस्तानी 4 लाख रुपए में, 4 लाख 30 हज़ार या 50 हज़ार रुपए में। शकुर भाई हज़ार बार बोला है, किसी दिन बद्दुआ लग गई लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, जैसे कि आज हम बात करेंगे सेलिका के बारे में, FC 185 GT4, जो कि वाहिद पाकिस्तान में थी, मेरे ख्याल से दो थी, एक मेरे पास थी, एक किसी और के पास थी पंजाब साइड पर, और उस पर हम लंबी करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमेशा करते हैं। और ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि देखो, आगे भी इस चैनल को लेके जाना है, बहुत सी चीज़ें इस चैनल पे दिखानी हैं, बहुत से चक्कर हैं, बहुत से मामलात हैं, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम पहले, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करें कि यार क्या क्या प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, क्या क्या नहीं किए, क्या मेरे अपने ज़ाती, ये तो अभी तक मेरे अपने ज़ाती प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरी ज़ाती गाड़ियाँ थी। इसके अलावा जो मैंने लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, ओवरऑल जो मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, अगर वो मैं दिखाने बैठ गया तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मतलब मुझे एक साल चाहिए इस चैनल पे, अगर मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालूं तब भी जाके पता नहीं है कम्प्लीट हो ना हो। तो बहरहाल सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में चैप्टर क्लोज करूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि व्लॉग्स बनाते थे पहले और रिव्यूज़ वगैरह गाड़ियों के, ये चक्कर मामलात, मगर उसके लिए क्योंकि बात से ऐसे नए लोग हैं जो कि चैनल पे आते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि यार ये कुछ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसने सब कुछ किया है पहले तभी ये इतना बोलता है। तो उन मामलात, उन चक्करों के लिए ये सब कुछ, ये जो हर गाड़ी पे एक इंडिविजुअल वीडियो बना रहा हूँ मैं, सब कुछ कर रहा हूँ, उसका रीज़न ही यही है। और आगे जो फ्यूचर में मेरे प्रोजेक्ट्स होंगे, जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, उनको भी सेम एज इट इज़ इसी तरह अपडेट करके लेके चलूँगा। तो बहरहाल जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर टक करके सब्सक्राइब करे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद किसी को काम के हवाले से कोई चीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है, जैसे कि गाड़ियों के पार्ट्स और हर चीज़ के हवाले से, किसी को भी कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ भी है, पूरी दुनिया में से कहीं पे भी किसी को कुछ भी, किसी भी मुल्क से किसी भी मुल्क में चाहिए तो मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भाई हाजिर है। बाकी चलते हैं फिर सेलिका की तरफ। सबसे पहले तो जाके उस पर लंबी करने के लिए आपको उसके कुछ वीडियो क्लिप्स हमेशा की तरह देखने पड़ेंगे, और कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियो क्लिप्स, ये सब कुछ आप देख के आओ, फिर उसके बाद इस पर लंबी करते हैं। थोड़ा और पीछे ला, कहीं तेरी गाड़ी लाना गाड़ी फुटबॉल आ गया। Bye.
और भाइयों तसल्ली से देख के आए हो, सब कुछ देखा, पसंद आई, वो तो आई होगी, क्यों नहीं आई होगी। अब सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं इसके ऊपर। ओ हो, एक मिनट रुक जाओ। सबसे पहले तो कोई अपडेट चाहिए हो, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो, ठीक है, ये आ रहा है इंस्टाग्राम, इधर फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आईडी का लिंक दिया गया है, ठीक है, और वैसे भी आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फॉलो करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, रिप्लाई मिलेगा इंस्टाग्राम पे, भाई बहुत एक्टिव रहता है। उसके बाद स्नैपचैट वगैरह भी है, मगर इंस्टाग्राम पे आपको जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उसका जो मैसेंजर है ना, वो यूज़ करना बड़ा इनबॉक्स ना ईजी होता है। अच्छा, हम शुरू करते हैं सेलिका को ख़रीदने से। भाई मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी, अल्लाह आपका भला करे, पाकिस्तानी 4 लाख रुपए में, 4,30,000 या 50,000 रुपए में। ये गाड़ी थी कुछ इस तरह, ब्लैक कलर में थी और इस तरह की थी, ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे, इसके अंदर 3rd generation 3SGTE इंजन डला हुआ था जब मुझे मिली थी, और ऑल व्हील ये थी, क्योंकि ST185 GT4 थी, ऑल व्हील मुझे साथ मिली थी, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ थी, अपने कंपनी फिटेड। तो मैंने इससे पहले भी एक सेलिका ली थी, मगर वो मुझे पसंद नहीं आई थी तो मैंने बेच दी थी। फ्रंट व्हील थी और 3SGE डला हुआ था, मुझे मतलब मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, तो मैंने वो 1-1.5 हफ्ता यूज़ करके बेच दी थी, फिर मैंने ये ली थी। अच्छा, ये मैंने 4,30,000 या 35,000 की गाड़ी ली थी, इसके अंदर मुझे इंजन विंजन सब कुछ मिला था। फिर उसके बाद लेते साथ मेरा एक दोस्त, मेरा बच्चा, मेरी औलाद कह लें, जो कि कुछ इस तरह की दिखता है, दानियाल उर्फ टर्बो, ये मेरी औलाद मेरी गाड़ी लेके गया, तो गाड़ी ले जाने के बाद ये इंजन उड़ा के ले आया, फिर इसकी एक, अब देखो काम करने वाले बंदे थे, बहुत छोटी उम्र थी, पैसे लिमिटेड होते थे, क्या करें भाई, अभी हफ्ता हुआ है हमने गाड़ी ली है, अब हम क्या करें भाई, इसका तो इंजन ही उड़ गया। हमने फिर क्या किया, इन टर्बो साहब की गाड़ी से इंजन निकाला हमने, 3SGT, इनके पास थी अंडा शराट 3SGT, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है, और ये उस टाइम वाहिद 3SGT अंडा शराट होती थी, जो पाकिस्तान में वाहिद यही थी, जो हमने आज से 5-6 साल पहले ये गाड़ी रखी हुई थी। तो इसमें से हमने बहरहाल इंजन विंजन निकाला, 4th generation निकाला उस अंडा शराट से, और हमने इस सेलिका के अंदर डाल दिया। फिर दानियाल को बहरहाल बिल्ड सेटअप दिलवा के उसकी गाड़ी में बिल्ड डाल दिया, क्योंकि मैंने स्टॉक रखनी थी, डेली ड्रिवन रखनी थी और मज़े लेने थे। तो इसमें फिर हमने 2nd, 3rd generation निकाल के 4th generation डाल दिया, और मतलब इंजन डाल दिया। अब ये हो गई 2nd, 3rd generation से, ये हो गई 4th generation पे, गाड़ी के अंदर इंजन डल गया भाई। अब आ जाते हैं इसके एक्सटीरियर पे, हमने एक्सटीरियर का क्या किया, इसका जो बम्पर था अगला, वो बड़ा बद्दा सा था। सेलिका की ना कभी भी जो फ्रंट लुक है ना, वो किसी को समझ ही नहीं आता, और इसके पार्ट्स लेना, इसकी चीज़ें लेना बड़ा मुश्किल होता था मेरे भाई, बड़ा मुश्किल होता था। तो फिर चक्कर ये हुआ, मैंने एक फ़ाइबर वाले को पकड़ा, इसका अगला बम्पर बनवाया, बम्पर कुछ इस तरीके से बनवाया कि बम्पर मैंने बॉडी के साथ जोड़ दिया, मतलब बम्पर और बॉडी को साथ जोड़ दिया मैंने, जैसे ये देख सकते हो आप, फ्रंट इसका बिल्कुल मैंने जोड़ दिया। फिर बैक बम्पर वैसे ही स्टॉक रखा, उसके बाद बोनट जो था वो मैंने कलर शलर करा लिया, एक GT विंग स्पॉइलर डाला था इस तरह का, और पूरी गाड़ी पे मैंने पेंट करा लिया, भट्टी पेंट कराया, तो उसके बाद रेड कलर कराया, और रिम शिम मैंने पुराने वाले ही जो इसके साथ मुझे मिले थे उसी को मैंने कलर शलर करा लिया। तो फिर ये मुझे तकरीबन पड़ गई कोई, आपका अल्लाह वला करे, कोई तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए की। फिर मैंने इसके अंदर BER डाला धमाकों के लिए, BREV डाला, क्योंकि धमाकों के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता था ज़िंदगी में, तो फ्लेम किट वाला दौर चला गया था, अब वो हमारी नज़र में बच्चे लगाया करते थे, तो इसलिए हमें अब धमाके चाहिए थे, हम बड़े हो गए थे, तो हमने फिर BR लगाया। अब इससे ज़्यादा हमारा फ़िलहाल बजट नहीं था, BR हमने कहीं से माड़ा ताड़ा किसी से मिन्नत तरले करके 10,000 रुपये का, 15,000 का BR लिया, BR लगा लिया, धमाके भी आ गए गाड़ी में, एक्सटीरियर भी तैयार हो गया, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे इंजन भी डल गया, AC भी ऑन है। अब ये वो गाड़ी होती थी, इंटीरियर, बहरहाल इंटीरियर को हम कंप्लीट कर लें,
इंटीरियर में इसके गेजेस डाले थे मैंने और वाइड बैंड लगाया हुआ था। हालांकि वाइड बैंड की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि स्टॉक 0.5 पे मैं इसको चलाता था और मतलब कभी मैंने इसका बूस्ट भी नहीं बढ़ाया, 0.5 पे इसको रखता था मैं हमेशा और 0.5 पे ही डेली ड्रिवन एसी ऑन करके मैं घूमता था इसके अंदर, एसी में घूमता था और मैं हर वक्त इसको यूज़ करता था। फ्यूल एवरेज ये मुझे देती थी 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर पे, जो कि एक हैरानगुन बात है। ऑल व्हील, ऊपर से 3SGT, ऊपर से एसी भी चला रहे हो और डेली ड्रिवन में रखी हुई है मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये मुझे देती थी 12-13 किलोमीटर देती थी। फिर उसके बाद अल्लाह वाला करे क्लच मैंने इसके अंदर बिल्कुल सादा रखा था, इंजन भी बिल्कुल स्टॉक था। इवन कि मैंने इसको फ्रंट माउंट भी नहीं कराया था, टॉप माउंट पे चलाता था मैं इसे, फ्रंट माउंट भी नहीं था इसके अंदर। हाँ ये था, ऑल व्हील थी, लॉन्च अच्छा था, टॉप एंड माठा था, क्योंकि मैं अक्सर इसको किसी दूसरी 3SGT के साथ भगाता था। जैसे कि उस मेरे पास उस वक्त में जिस वक्त पे ये होती थी उस टाइम पे मेरे पास एक ईवो थी, लांसर कन्वर्टेड ईवो, लांसर के ऊपर ईवो की बॉडी गेट लगाई हुई थी जो कि इस तरह की होती थी और इसके अंदर भी 3SGT डला हुआ था। तो लॉन्च पे तो मेरी गाड़ी आगे निकल जाती थी मगर टॉप एंड जो होता था वो बहुत गंदा होता था क्योंकि ऑल व्हील थी, फिर जाहिर सी बात है लॉन्च अच्छा होगा तो टॉप एंड गंदा होगा। तो फिर ये करते कराते कोई मुझे मतलब ये इंटीरियर वंटीरियर ये सारी चीज़ें मिला मिलू के ये गाड़ी मुझे मैक्सिमम कोई 8 से 9 लाख रुपए की ये गाड़ी पड़ी थी। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, जिसमें ना मैंने इसमें कभी ज़िंदगी में मुझे याद है कि मैंने इसकी कभी ट्यूनिंग भी कराई हो। मैंने ये गाड़ी 1 से 1.5 साल रखी, सिर्फ मैं इसका ऑयल चेंज कराता था, सिर्फ और सिर्फ ऑयल चेंज कराता था। उसके अलावा मैंने कभी, मुझे नहीं याद, ऑयल और प्लग के अलावा कभी इस गाड़ी ने गैसकेट भी उड़ाई हो। इसको मैं हर संडे ट्रैक लेके जाता था, इसके ऊपर मैं धमाके देता था, इसके ऊपर मैं सब कुछ करता था, रेसे भी करता था, भगाता भी था, मीटर भी डाउन करता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैंने ये गाड़ी रखी थी 1 साल तक, कभी भी ज़िंदगी में इस गाड़ी ने मुझे कोई दुख नहीं दिया। बताने का मकसद ये है कि देखें, अगर अच्छे पैसों को अगर तरीके की जगह पे आप खर्च करो ना, तरीके से खर्च करो, तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट बनता है, अच्छी चीज़ बनती है हमेशा। बजाय कि आप 20 लाख रुपए भी इसके ऊपर लगा लो ना और बेतुके लगाओ ना, तो किसी काम के नहीं है वो गाड़ी, आप चला ही ना पाओ। तो ऐसा चलाने का फ़ायदा, मैं चाहता मैं इसको बिल्ड भी कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, मगर मैंने अपने शौक़ के लिए रखी हुई थी। मेरा शौक़ पूरा और मेरा शौक़ पूरा होता था मेरे भाई, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती थी। कि मुझे जब भी कहीं जाना होता था मैं हाफ़ सेल्फ मारता था गाड़ी को, गाड़ी स्टार्ट होती थी और लेके निकल जाता था। साउंड सिस्टम वगैरह मैंने अंदर बहुत अच्छा, बेहतरीन इंटीरियर बहुत नेक्स्ट लेवल बनाया हुआ था इस तरह का कुछ, और एसी वेसी ऑन था, बीआर लगा हुआ था, वाइट बैंड लगा हुआ था, सस्पेंशन बहुत अच्छा था माशाल्लाह इसका, बहुत ही कोई अच्छा था। कॉइल ओवर्स डाले थे मैंने बाद में इसके अंदर। तो ये सारे मामलात हैं, ये चक्कर है। बाकी और कोई बात हो, और कोई चीज़ हो, पूछनी हो, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद इंशाल्लाह कोई अच्छे टॉपिक पे या अच्छी चीज़ पे वीडियो बनाएंगे, कोई पता नहीं मेरे ही किसी प्रोजेक्ट पे बनाए, कोई पता नहीं व्लॉग बनाए, कोई पता नहीं कुछ बनाए। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।